प्यारे व्यूअर्स, मैं सुमन अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूअर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मजे में होंगे और अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए, आपकी नवीनतम जानकारी को अद्यतन करने के लिए मैं आज प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2022 अंक का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को भी शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दूसरी बात ये, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट ज़रूर करें, इससे जो हमें फीडबैक मिलता है इससे हमें आने वाले और वीडियो में अपना जो बेस्ट देने का मैं प्रयास करूँगा आपके फीडबैक के अनुसार। ठीक है मित्रों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला जो फैक्ट है वो है मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की भारत यात्रा। अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने 1 से 4 अगस्त 2022 को भारत की राजकीय यात्रा की। नवंबर 2018 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद भारत की उनकी यह तीसरी यात्रा थी। नवंबर 2018 में राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के बाद दिसंबर 2018 में अपनी पहली ही विदेश यात्रा भारत की ही उन्होंने की थी। अगस्त 2022 की उनकी ताज़ा यात्रा से कुछ ही दिन पूर्व मालदीव के रक्षा प्रमुख मेजर जनरल अब्दुल्ला शमाल ने भारत की यात्रा की थी, जबकि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मार्च 2022 में मालदीव की यात्रा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेजबान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति सोलिह की वार्ता हैदराबाद हाउस में हुई। आगे बढ़ते हैं। भारत की मदद से मालदीव में संचालित परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा दोनों शासनाध्यक्षों ने बातचीत में की। आधारिक संरचना परियोजना के लिए 10 करोड़ डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा भी श्री मोदी ने इस अवसर पर की। ग्रेटर माले में भारत के एक्जिम बैंक की मदद से बनाए जा रहे 4000 आवासीय इकाइयों की प्रगति की समीक्षा दोनों नेताओं ने की। ऐसी 2000 अन्य इकाइयों के निर्माण के लिए सहमति दोनों पक्षों में रही। राजधानी माले को कुछ अन्य स्थानीय द्वीपों से जोड़ने के लिए 6.74 किलोमीटर लंबे पुल और सेतु लिंक निर्माण परियोजना का काम शुरू हो जाने का दोनों पक्षों ने स्वागत किया। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी व अन्य आर्थिक अपराधों के गंभीर खतरों को देखते हुए मालदीव को एक नौसैनिक पोत व 24 वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा भी भारतीय प्रधानमंत्री ने की। मत्स्यिकी, साइबर सिक्योरिटी, महिला विकास, आपदा प्रबंधन, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और 2000 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर वार्ता के बाद हैदराबाद हाउस में ही किए गए। तो ये मुख्य बातें हैं। और फिर से अगर बोलते हैं कि मालदीव के जो राष्ट्रपति कौन है, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली ही हैं। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, अमरीकी एथलीट जिम थोर्पे के द्वारा 1912 में स्थापित रिकॉर्ड को 120 वर्ष बाद 2022 में मान्यता मिली। खेल जगत की एक ऐतिहासिक घटना के तहत अमरीकी एथलीट जिम थोर्पे के द्वारा 110 वर्ष पूर्व 1912 के स्टॉकहोम खेलों में पेंटाथलन व डेकाथलन में विश्व रिकॉर्ड के साथ जीते गए स्वर्ण पदकों का एकमात्र विजेता अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने अब जुलाई 2022 में घोषित किया है और थोर्पे के द्वारा स्थापित रिकॉर्ड भी उसके नाम अब दर्ज कर दिए गए हैं। ओलंपिक खेलों की कठोर एमेच्योर ये गैर पेशेवर नीति कहलाती है, इसके तहत ये पदक कुछ महीनों के बाद ये खुलासा होने पर छीन लिए गए थे कि थोर्पे ने 2 सीजन में बेसबॉल लीग में खेलने के लिए पैसा लिया था।
जिससे वह पेशेवर खिलाड़ी हो गए थे, ठीक है। तो ये थी अमेरिकी एथलीट जीन थोरपे के द्वारा 1912 में स्थापित रिकॉर्ड को 120 वर्ष बाद 2022 में मान्यता प्राप्त। आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन भड़का। क्या है, क्या है इसमें मुख्य बातें? अमेरिका और ताइवान के आपसी संबंधों में टकराव की स्थिति अगस्त 2022 में उस समय उत्पन्न हुई जब अमेरिकी संसद कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा 2-3 अगस्त 2022 को की। 2 दिन की उनकी यह यात्रा एशियाई दौरे के एक भाग के रूप में थी। इस यात्रा के दौरान ताइवान के अतिरिक्त सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया व जापान में भी उनके कार्यक्रम थे, ठीक है। चीन जो ताइवान को अपना ही भाग बताता है, दूसरे देशों के नेताओं की ताइवान यात्रा का विरोध करता है। नैन्सी पेलोसी जो विगत 2.5 दशकों में ताइवान की यात्रा करने वाली अमेरिका की सबसे बड़ी नेता है, उनकी ताइवान की इस यात्रा से चीन भड़क उठा है और ताइवान पर दबाव बनाने के लिए चीन ने ताइवान के चारों ओर अब तक का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास 4-7 अगस्त 2022 को किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी मिसाइल के द्वारा अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी की मौत। आतंकी संगठन अलकायदा के अफगानिस्तान में रह रहे सरगना अयमान अल जवाहिरी को अमेरिका ने एक ड्रोन हमले के जरिए 31 जुलाई 2022 को मार गिराया है। 71 वर्षीय जवाहिरी ओसामा बिन लादेन का करीबी था और ओसामा की मौत के बाद से ही यह अलकायदा का सरगना बना हुआ था। अमेरिका का मानना है कि अमेरिका स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर पर 11-9-2001 को जो आतंकी हमला किया गया था, उसकी साजिश ओसामा बिन लादेन अयमान अल जवाहिरी ने मिलकर रची थी। ओसामा को अमेरिका के नौसैनिक कमांडो के दस्ते ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान में एटवाबाद में मार गिराया था, जिसके बाद जवाहिरी अलकायदा का सरगना बन गया था। उस पर 2.50 करोड़ डॉलर का इनाम अमेरिका ने रखा हुआ था। उसकी मौत की खबर को पूरी तरह से पुष्टि के बाद ही अमेरिका के द्वारा 2 अगस्त को सार्वजनिक किया गया। उसकी मौत की खबर को जारी करते हुए अमेरिका ने कहा कि 9/11 के हमलों के पीड़ितों को अब न्याय मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पेस एक्स के रॉकेट के जरिए दक्षिण कोरिया के द्वारा चंद्रमा की कक्षा के लिए उपग्रह का प्रक्षेपण। अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत दक्षिण कोरिया ने एक बड़ी उपलब्धि अगस्त 2022 में उस समय प्राप्त की जब चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा के लिए अपने एक स्वदेशी उपग्रह दानुरी का प्रक्षेपण इसने फ्लोरिडा के केप केनेवरल स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स फाल्कन रॉकेट के जरिए 5 अगस्त को इसने किया। ईंधन के संरक्षण के लिए काफ़ी लंबा गोल चक्कर यह लगा रहा है और दिसंबर तक इसके चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, पराग्वे में भारतीय दूतावास की स्थापना। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 23 अगस्त 2022 को एसनसियोन पराग्वे की राजधानी में भारतीय दूतावास का उद्घाटन पराग्वे के विदेश मंत्री के साथ मिलकर किया। पराग्वे के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की शुरुआत 60 वर्ष पूर्व ही यद्यपि हो गई थी, लेकिन वहां भारतीय दूतावास की स्थापना इस वर्ष जनवरी 22 में ही हुई थी और इसका औपचारिक उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अगस्त 22 की उस देश की यात्रा के दौरान अब हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, सरकारी कोष के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को 12 वर्ष के कारावास की सजा की सर्वोच्च अदालत के द्वारा पुष्टि और जेल भेजे गए। सरकारी कोष के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को कुल मिलाकर 12 वर्ष के कारावास की सजा कुआलालंपुर स्थित निचली अदालत ने 28 जुलाई 2020 को सुनाई थी
और जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने भी दिसंबर 2021 में की थी। वहां की सर्वोच्च अदालत ने भी 23 अगस्त 2022 के अपने फैसले में सजा को बरकरार रखा है। सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजा को सुरक्षा बलों ने हिरासत में ले लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भीषण बाढ़ की चपेट में आए पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल। राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना करने के बाद पाकिस्तान अब गंभीर प्राकृतिक संकट की चपेट में है। जलवायु परिवर्तन के चलते और सामान्य वर्षा, बादल फटने वो ग्लेशियर्स के ओवरफ्लो से बाढ़ की स्थिति अधिकांश क्षेत्रों में बनी हुई है, जिससे वहाँ तबाही की स्थिति है। बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। भीषण बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने 25 अगस्त को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वहां कर दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। ब्रह्मोस मिसाइल गलती से पाकिस्तानी क्षेत्र में जा गिरने के 6 माह पुराने मामले में भारतीय वायुसेना के 3 अधिकारी बर्खास्त। भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल 9 मार्च 2022 को हरियाणा में सिरसा के निकट एक वायु सैनिक केंद्र से तकनीकी रखरखाव के दौरान गलती से फायर होकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खानेवाल जिले के मियान चन्नू शहर के पास जा गिरी थी। तकनीकी रखरखाव के दौरान गलती से फायर हुई इस मिसाइल पर कोई वार हेड हथियार नहीं था, जिससे पाकिस्तान में जान माल की कोई हानि नहीं हुई थी। अपने इलाके में भारतीय मिसाइल गिरने के लिए आपत्ति व्यक्त करते हुए पाकिस्तान ने भारत के सुरक्षा तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। इस मामले में पाकिस्तान से खेद व्यक्त करते हुए पूरे मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन भारत ने किया था। लगभग 6 माह तक चली इस जांच में पाया गया कि भारतीय अधिकारियों ने इस मामले में मिसाइल प्रणाली की संवेदनशील मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की इस आशय की रिपोर्ट के बाद वायुसेना के 3 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगस्त 2022 में बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त किए गए अधिकारियों में एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल है। इस मामले में भारत के द्वारा की गई कार्यवाही को अपर्याप्त बताते हुए संयुक्त जांच की अपनी मांग पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने दोहराई है। पाकिस्तान का कहना है कि संयुक्त जांच की मांग का जवाब देने में भारत नाकाम रहा है। तो मित्रों, ये है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का जो एक समग्र संकलन है, वो आप इसे तो देख ही लिए हैं। और इसके बाद मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि एक बार आप ऑफलाइन भी जो दर्पण का जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसका फास्ट रिव्यू करें, तो आपका ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।